बाबा चतुर्वेदिया बेसिक में पहले याद करो तो पहले बेसिकली कैसे का प्रश्न खत्म हो जाएगा। बेसिक में कैसे याद करते थे चक्कर को, वो याद है, है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं गए, गए हैं तो बेसिक में तो याद होगा। हाँ सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, तो चक्कर हो गया ना पूरा, तो बेसिक में तो हो गया। अभी अभी एडवांस में, बेसिक में जो ज्ञान होता है थोड़ा होता है, लिमिटेड होता है, और ऊंची कक्षाओं में ज्ञान विस्तार में चला जाता है। तो ऐसे ही एडवांस ज्ञान है। यहाँ बाबा की मुरलियों को पढ़ते जाओ और चक्कर में मनन चिंतन मंथन करते जाओ, विस्तार होता जाएगा। जिसके लिए बोला है कि तुम बच्चे अमृत वेले उठ करके इन चार चित्रों पर मनन चिंतन मंथन करो, नए नए पॉइंट बुद्धि में आते रहेंगे। जो भी नई नई बातें बुद्धि में आती रहे उनको लिख करके हेड ऑफिस में भेजते रहो। बाप तो व्यंग मार्ग की सर्विस समझाते हैं, अब कोई करे या न करे। जैसे भक्ति मार्ग में जब शास्त्र निकले तो पहले पहले क्या निकला है, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रकारी निकली, ढेर के ढेर चित्र निकले। पहले शास्त्र नहीं बने थे, पहले क्या बने, चित्र बने। उन चित्रों में भी पहले पहले कोई मुख्य चित्र बने होंगे। ऐसे ही जैसे अभी शूटिंग पीरियड में साक्षात्कार के द्वारा बाबा ने मुख्य चार चित्र बनवाए, फिर बाद में माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनते गए। ऐसे ही भक्ति मार्ग में अजंता एलोरा एलिफेंटा कनेरी गुफाओं में ढेर के ढेर चित्र बनते गए। उन चित्रों के आधार पर शास्त्र बने। पहले कौन से शास्त्र बने, वेदवाणी निकली। वेदों के आधार पर जो कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। अब मुख में कोई मशीन थोड़े ही थी जहां से छप छप करके वेद निकल पड़े, नहीं, ये तो ब्रह्मा के मुख में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके वाणी बोली थी। वो संगमयुग की बात थी, असली वेदवाणी वो थी। द्वापर युग से शिव बाबा तो प्रवेश करता नहीं। हाँ मनुष्य गुरु बैठ करके जो मनन चिंतन मंथन करते हैं उनका नाम शास्त्र पड़ा, पहले पहले शास्त्र वेद निकले। उन वेदों से फिर आरण्यक, आरण्यक से व्याख्या हुई तो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों की व्याख्या हुई तो उपनिषद, उपनिषदों की व्याख्या हुई तो पुराण निकल पड़े।
ऐसे ऐसे शास्त्रों का विस्तार होता गया, बाल में से खाल निकलती गई, ऐसे ही यहाँ ज्ञान का भी विस्तार होता जाता है। शास्त्रों में जैसे ढेर के ढेर देवताओं के कथा चित्र बनाए हुए हैं, जीवन कहानियां लिखी हुई है, वो भक्ति मार्ग में कहाँ की यादगार है। यहाँ संगम युग में हर ब्राह्मण आत्मा ने जो बुद्धि में चक्र घुमाया है, वो 84 का चक्र अपनी अपनी स्मृति के आधार पर घुमाया है। राम वाली आत्मा ने रामायण लिख डाली, कृष्ण वाली आत्मा ने सूर्य सागर और भागवत लिख डाली। तो ऐसे ऐसे जो भी शास्त्रकार हुए, उन्होंने अपने संगम युग की ही सारी यादगार अपने अपने शास्त्रों में लिख दी है। जरूर संगम युग में उन्होंने अपने 84 के चक्र का बुद्धि में आलोड़न किया है। तो ये चक्र का विस्तार हम अपनी आत्मा में भी कर सकते हैं। हमारी आत्मा रूपी सितारे में एक दुनिया समाई हुई है, जो बाबा कहते हैं हर सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है, जो आज वैज्ञानिकों की मान्यता है कि ऊपर आकाश में जो सितारे हैं उनमें एक एक दुनिया बसी हुई है। परंतु वो तो जड़ सितारे हैं, उनमें दुनिया नहीं बसी हुई है, ये तो हम आत्मा रूपी सितारे हैं जो मनन चिंतन मंथन के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा के द्वारा अपनी जन्म जन्मांतर की अपनी रचना और दुनिया तैयार करते हैं। जितनी जितनी आत्माओं की हम सेवा करते जाएंगे, वो आत्माएं जैसे कि हमारे राज्य की रैयत बनती जाएंगी। तो ये चक्र है जिसकी यादगार विष्णु को और कृष्ण को दिखाई गई है। जरूर उन्होंने ये षष्ठी का चक्र 84 का चक्र अपनी बुद्धि में सबसे जास्ती घुमाया होगा। तो जो ओटे तो अब्बल नंबर अर्जुन कहा जाता है। इसलिए एक विष्णु या कृष्ण को वो चक्र दिखाई दिए है तो सभी ब्राह्मणों का यादगार। और जब मुर्दा होता है तो प्राण कहो श्वास कहो चलती है, छोड़ने बाद है से बाहर निकल जाती तब, हाँ तब क्या है, तब प्राण कैसे निकलते हैं, तब बिंदु बन जाते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। वो सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में चारों तरफ दुनिया में घूमता रहता है, वो स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसमें ज्यादा ताकत आ जाती है, उसकी क्षिप्र गति हो जाती है। ये स्थूल शरीर के 5 तत्वों का बंधन आत्मा की गति को तीव्र नहीं होने देता। हाँ,
अगर कोई तीव्र पुरुषार्थी है तो पांच तत्वों के शरीर के बंधन में होते हुए भी प्रकृति के पांच तत्वों को जीत करके जब चाहे शरीर से बाहर हो जाए और जब चाहे अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, ऐसा हो सकता है। परंतु ये तीव्र पुरुषार्थियों की बात है, सभी के लिए ये बात लागू नहीं होगी। साढ़े 4 लाख अपने शरीर को अंत तक नियंत्रित करके अपने ही शरीर से नई दुनिया की पैदाइश करें, नई दुनिया के बच्चों की पैदाइश हो। तो छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या होता है, नई दुनिया बनाते हैं। ऐसा करते हैं फिर आत्मा में, हाँ तो स्वर्ग बनता है। तो उससे क्या फायदा, आप भी तो नई दुनिया रचते हैं, आप भी तो नया जन्म लेते रहते हैं ना, जैसे आप लेते रहते हैं वो भी लेते रहते हैं। आपका भी अस्थि पंजर मिट्टी में मिल जाता है, उनका भी मिल जाता है। अस्थि पंजर न हमारा न साधु संन्यासियों का, सात्विक बन के रहे और ऐसी सात्विक स्टेज बनाए कि हम नई शक्ति पैदा करने के लायक बन जाएं। ऐसा तो नहीं होता, बातें बनाई हुई है। कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो कंचन काया बन जाती है। कोई ऐसा मनुष्य देखा, शास्त्रों में कपोल कल्पित बातें लिखी हुई है, कहेंगे हिमालय में जाकर के देखो, हिमालय के जंगलों में ढेर के ढेर ऐसे साधु हैं जिन्होंने कुंडलनी शक्ति जागृत की है, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। अब जाके कौन देखे, उनसे कहे चलो दिखाओ चल के, तो इधर उधर भाग जाएंगे। और कहते हैं किसी ने प्रैक्टिकल देखा जाके, कहने में और प्रैक्टिकल करके दिखाने में तो बहुत अंतर पड़ जाता है। और है तो उसने सफेद फूल सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं उनमें एक माता जी बैठी है, उसके हाथ में चंदा जंगल खाते हैं और इस त्रिमूर्ति के श्री भाई चालीस दिन के चित्र में दिखाते हैं कि जो सत्ता है बैठे थे उन पर वो बैठे तो नहीं है लेकिन वो पेट पर आग जल रही है। जो सत्ताधारी है सत्ताधारी, तुम कौन से चित्र में घूम रहे हो, कहीं झाड़ के चित्र में, कहीं त्रिमूर्ति के चित्र में, कहीं सीढ़ी के चित्र में। हाँ 30x40 इंच के चारों ही चित्र हैं। आप कौन से चित्र की बात कर रहे हैं, त्रिमूर्ति के चित्र की बात कर रहे हैं। हाँ जी बोला दिखाया है और उसमें एक माता बैठी हुई है
छोड़ के चलने अंदर जाते हैं और उसी में एक त्रिमूर्ति का ही और दूसरा चित्र उसमें दिखाते हैं कि जिस पर बैठने वाले जो सत्ताधारी हैं उनकी जीव पर आपकी लतें जल रही हैं इसका अर्थ यह है वो कपड़े का झंडा समझते हैं। जो कपड़े के झंडा को ऐसा समझते हैं वास्तव में वो कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं करता है। वो कपड़े के झंडे में तो आग लग जाएगी, कपड़े के झंडे के साथ साथ जहाँ वो कपड़े के झंडे लगे हुए हैं ऊंची ऊंची सरकारी इमारतों पर वो सारी सरकारी इमारतें भब्बर भब्बर करके जल पड़ेंगी। उनमें बैठे हुए वो सफेद पोश जो भी कांग्रेसी हैं तो सब खलास हो जाएंगे। असली बात क्या है, कपड़े का झंडा असली नहीं है, कपड़ा शरीर को कहा जाता है। ये शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जो विश्व विजय करके दिखलावे। कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय करके नहीं दिखलाई सकता, न कभी दिखलाई है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, यहाँ ज्ञान मार्ग में गीत गाना नहीं है, उसके अर्थ स्वरूप में टिकना है और करके दिखाना है। इसलिए बोला ये त्रिमूर्ति का बैज सदैव पॉकेट में पड़ा रहे, जो भी आए उसको समझाओ कि ये है हमारा तीन चैतन्य कपड़ों का झंडा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीन आत्माएं, ये तीन शरीर रूपी वस्त्र अभी भी इस दुनिया में चैतन्य में जिंदा हैं, मरे हुए नहीं है, और वो विश्व विजय करके दिखलावेंगे। जिनकी यादगार में ये झंडारोहण गीत गाते हैं भक्ति मार्ग में, किस समय की यादगार है, संगम युग की यादगार है। तो ये समझाओ वो कपड़े के झंडे और कपड़े के झंडे जिन महल माड़ियों में लगे हुए हैं वो तो सब बब्बर बब्बर करके जलेंगे। ये संगठन रूपी ब्राह्मणों की जो इमारतें तैयार हो रही हैं, जो 108 की माला बनती है उसमें 8-9 ग्रुप हैं, जो सब धर्मों से चुनी हुई शेष आत्माएं हैं वो संगठन रूपी किले हैं, जिनको ज्ञान और स्नेह के सूत्र में बांध करके शिव बाबा त्रिमूर्ति का झंडा फहराते हैं। उन सभी धर्म वालों की बीज रूप आत्माओं के संगठन पर कौन राज्य करेंगे, वो तीन मूर्तियां राज्य करेंगी। ये तीन मूर्तियां शिव के डायरेक्शन पर स्थापना विनाश का कार्य करती हैं, और तीनों ही अभी मौजूद हैं इस दुनिया में, को पहचानना है। माता पूछ रही है कहाँ मौजूद है, एडवांस ज्ञान जिन्होंने लिया है, एडवांस में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनको बैज के ऊपर कम से कम इतना ज्ञान जरूर देना चाहिए कि वो तीन मूर्तियों को चैतन्य रूप में समझ लें कि वो तीन मूर्तियां इस दुनिया में कौन है। अगर नहीं समझे तो त्रिमूर्ति शिव का परिचय नहीं दिया, और त्रिमूर्ति शिव बाप को ही नहीं पहचाना जो तीन मूर्तियों की रचना करने वाला है, तो फिर बाप का बच्चा बना है, बाप का बच्चा ही नहीं बना। और एक ही जगह क्या दिखाते, दोनों चित्र
चित्रों में जो अंदर दिखाते हैं ना, कौन से दोनों चित्रों में? तो मूर्ति चित्र जो है उसी गोला के अंदर ही ये अंदर दिखाते हैं दोनों के। हाँ, क्या दिखाते हैं अंदर? वही एक हाँ हाँ तो चैतन्य मूर्तियाँ बैठी हुई रहेंगी और जो जड़ मूर्तियाँ हैं जड़ कपड़े हैं और जो स्थूल इमारते हैं वो जल जाएंगी। और तुम सबसे अब जानते हो बाबा अभी दूध बदल कर आए हैं। हाँ, आकार में आए। हाँ, बाप जब तक निराकार से आकार में ना आए तो राजयोग कैसे दिखाएंगे? निराकार 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 से आकार में नहीं आए। बाप आकार में आता भी है, कहाँ से लिख लिया? आकार में सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, सूक्ष्म शरीरधारियों में शिव बाबा नहीं आता है, न सूक्ष्म बतन में आता है, उसका सूक्ष्म शरीर बनता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर उनका बनेगा जिनके सूक्ष्म संकल्प चलेंगे। शिव बाबा असोचता है या संकल्प चलाने वाला है? तो असोचता है, सदैव असोचता है, वो कैसे संकल्प चलाएगा? और संकल्प ही नहीं चलाएगा तो उसका सूक्ष्म शरीर कहां से बन जाएगा? न सूख का सूक्ष्म शरीर बनता है, न सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो तथाकथित तो भक्ति मार्ग वाले ऐसे समझते हैं, बेसिक वाले ब्राह्मणों की दुनिया में, कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर धारण करता है और उस सूक्ष्म शरीरधारी में सूक्ष्म वतन में शिव बाबा प्रवेश करता है और दोनों आत्माएं गुलजार दादी में प्रवेश करती है, परंतु ऐसा नहीं है। जब साकार में आएगा ही नहीं तो राजयोग कैसे सिखा देगा? इसलिए बाप कहते हैं सब साधन कंगे चल पे रही है। ये बाबा बात कहाँ लगी? यही बात कहते हैं कि मैं साधारण तन में टेम्परेरी आता हूँ, राजयोग सिखाने नहीं आता हूँ। इस साधारण तन में मैं सिर्फ वाणी सुनाने आता हूँ। ये सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन बेसिक में पड़ता है, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान कहा जाता है समझ को। जो भी मुरली सुनी और जो भी मुरली दूसरों को सुनाई अगर समझी नहीं और बेसमझी से ही दूसरों को सुना दी तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? है तो भक्ति मार्ग हो गया। इसलिए बोला कि मैं इस टेम्परेरी रथ में राजयोग सिखाने नहीं आता हूँ। अभी क्या पढ़ा आपने? हाँ, साधारणता नहीं है दोनों। बाबा ब्रह्मा बाबा को जोड़ा मना साधारण इसलिए कहा कि जब से ज्ञान में आ गए तब से बूढ़ा तन हो गया, साधारण पोशाक है। जब ज्ञान में नहीं थे तो हट्टे कट्टे नौजवान राजा जैसे दिखाई पड़ते थे, ज्ञान में आने के बाद तो साधारण ही हो गए ना। और बाबा है ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में तस्वीर में तो कपड़े होते नहीं। हाँ, तो ये जो राधे कृष्ण है उनको कपड़े क्यों दिखाया गया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण को कपड़े क्यों दिखाए गए? राधे सत्योगी राधे कृष्ण है उनको कपड़े क्यों दिखाया गया है? और लक्ष्मी नारायण को कपड़े दिखाया गया है? लक्ष्मी नारायण को भी कपड़े दिखाए गए और राधा कृष्ण को भी कपड़े दिखाए गए। जो भी आत्माएं हैं चाहे संगम युग स्वर्णिम संगम युग में तैयार होती हैं पुरुषार्थ करके और चाहे सतयुग में जन्म लेंगी, वहां उनमें दिव्य गुणों का श्रृंगार होगा या नहीं होगा? है, होगा। वो दिव्य गुणों का श्रृंगार अंदर की चीज है या बाहर से देखने की चीज है? वो तो अंदर की चीज है, तो चित्रकार कैसे दिखाए? तो उसको दिखाने के लिए चित्रकार ने
वो अलंकार दिखा दिए, वो विष्णु को ढेर सारा तामझाम दिखा दिया, और शंकर जी के पास कुछ भी नहीं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। कोई बनता है, कोई देखा निश्चय बुद्धि, आज निश्चय बुद्धि है, कल गाली देते हैं, उदाहरण तो बुद्धि भ्रमित हो गई थी, कोई भूत प्रेत प्रवेश कर गया था है। तो दिव्य गुणों का श्रृंगार या तो संगम युग में संपन्न पुरुषार्थ धारण करने वाले विष्णु को दिखाते हैं, या तो सतयुग त्रेता में देवताओं को दिखाया जाता है। सतयुग में कपड़े नहीं होंगे, बिना कारण के कोई कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए है? कोई भी कार्य होता है, मान लो अभी कपड़े पहने बैठे हैं, तो जो कपड़े पहने बैठे हैं उसका कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण है? इनमें भी देवान, इनमें भी देवान, इनमें भी देवान, थोड़े देर के लिए 100% ये पक्का कर दें कि हम देह नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। अगर ये 100% पक्का कर दें तो अभी अभी सब उतार के फेंक दो। फेंकेंगे हैं? क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि देवभान अंदर मौजूद है ना, तो देवभान को छुपाने के लिए वो कपड़े पहने हुए हैं। दूसरी बात, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात पड़ती है, तो सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। अभी गर्म कपड़े किसी ने क्यों नहीं पहने हैं? क्योंकि अभी गर्मी नहीं है, वो सर्दी नहीं है, जब सर्दी पड़ेगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे। तो इससे साबित हुआ कि कोई भी काम किया जाता है कोई कारण से किया जाता है। ये मकान क्यों बनाया? कोई कारण होगा, किस लिए बनाया है? जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो अपने देवान के कर्मों को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी कर देते हैं, और वो ना देखें, वो ना देखें, कोई ना देखे, दीवारें खड़ी करते हैं ना, तो दीवारें खड़ी कर दी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी दीवारें खड़ी कर देते हैं। वहां सत्युग में सर्दी गर्मी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? वहां सत्युग में देवान होगा नहीं होगा? सब अपन को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा की स्थिति में देखेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई देगी। इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? यहाँ संगम युग में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करते करते अंत मते में हमारी गति वैसी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते कोई ऐसा भी टाइम आएगा कि हमारी 24 घंटे स्टार याद आता रहे। ये प्रैक्टिस पक्की होगी या नहीं होगी? होगी। तब अंत मते जब होगा, अंतिम समय आवेगा, शरीर छोड़ने का समय आवेगा, तो अंत मते तो गति वो ही हो जाएगी। बिंदु ही बिंदु याद रहेगा 21 दिन तक, देह याद नहीं आवेगी। तो वहां देवताओं को जो देह अभिमान लाने वाली इंद्रियां हैं, काम विकार को प्रत्यक्ष करने वाली इंद्रियां हैं, वो भ्रष्ट इंद्रियां वहां होंगी? काम करेंगी न काम करेंगी न होंगी। इसलिए देवान न होने के कारण वहां कपड़ों आदि की दरकार नहीं, वहां शरीर रूपी वस्त्र ही बहुत सुंदर होगा। अभी तो क्या करते हैं, शरीर कैसे हैं, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, कहीं गाँठ पुट्टी, कहीं आंखें अंदर, कहीं क्या कहीं क्या, एक एक शरीर को बिल्कुल नंगा किया जाए तो कैसा कैसा आदमी भागने लगेगा।
डब्बे डॉल, और सतयुग में देवताएं उनके शरीर रूपी वस्त्र ही इतने सुंदर होंगे कि उनको कोई कपड़ा पहनने की दरकार, श्रृंगार करने की दरकार होगी ही नहीं। और बाबा संगमी में रात को दिन फिर वहाँ महीने साल भी होते महीने साल भी होते सतयुग में साल होता नहीं, वर्ष होता नहीं। जब दुख पड़ता है तब दिन गिने जाते हैं, आदमी दिन गिनता है एक एक दिन, या जब सुख होता है तब दिन गिने जाते हैं। ओ भाई को पूछने बोलने दो, नया नया भाई आया है। हाँ बोलो, हम पूछ रहे हैं आपसे कि जब दुख होता है तब आदमी दिन गिनता है, घड़ियां गिनता है, या जब सुखी होता है तब दिन गिनता है? समय की काउंटिंग कब होती है? दुख में होती है। तो ये 2500 वर्ष की दुनिया जो है, जिसमें 2500 वर्ष के अंदर शक संबत मिल रहा है, ईसा संबत मिल रहा है, विक्रम संबत मिल रहा है, हिजरी संबत मिल रहा है, ये दुख के ही दुनिया के अंदर मिल रहा है या सुख की दुनिया का संबत है? तो दुख की दुनिया में आदमी टाइम गिनता है, दुख में अंदर से बात आती समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल पल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत? तो ये समय की काउंटिंग दुख की दुनिया की रीति है। जब सतयुग त्रेता रामकृष्ण का राज्य था, नारायण का राज्य था, तो वहां दिन गिनने की दरकार थी ही नहीं। और बाबा एक मुरली में बोला है कि आने वाले समय में युगल जोड़ा ही सेवा करेंगे, तो फिर एक कुमार अदर कुमार कहां जाएंगे? जो अदर कुमार है वो अभी जोड़ा नहीं है, कुमार कहां जाएंगे? कुमार इतना अच्छा पुरुषार्थ करें कि जैसे राम वाली आत्मा को, नारायण वाली आत्मा को संक्षेप्तर से अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, संक्षेप्तर से पहले नारायण वाली आत्मा कुमार है या आदर कुमार है? कुमार है। और उस कुमार को ज्ञान हो जाता है कि अमुक आत्मा 21 जन्मों के लिए हमारी चिर संगिनी बनने वाली है, तो एक को हो सकता है, अनेकों को नहीं हो सकता? एक को हो सकता है तो अनेकों को भी हो सकता है। भगवान का क्या काम है? अजी बाबा का घर कहाँ पे? भगवान का घर कहाँ पे ऐसे पूछ रहा हूँ। भगवान किसको कहा जाता है? शिव बाबा कौन है? हैं? बिंदु कहाँ से आता है? तो कहाँ घर है? अरे कहाँ घर है? परमधाम घर है। इस सृष्टि पर जब आता है तो भी कोई परमधाम बनाता है। घर के बच्चे बाहर कमाने जाते हैं, बाहर के देश विदेश में जाकर के उनके ऊपर हमले हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो कहां भागेंगे? है घर में भागेंगे, बाप के घर में। तो ऐसे ही अभी टाइम आने वाला है, क्या जो बाप के पक्के पक्के ब्राह्मण बच्चे हैं, जो बाप का आधार लेने वाले हैं, वो अभी देश विदेश में कहीं भी फैले हुए हैं। जब टाइम खराब आवेगा, विनाश की विभीषिका चारों तरफ जलेगी,
मौत का बाजार गर्म हो जाएगा तो बच्चे कहाँ पहुँचेंगे, बाप के घर में पहुँच जाएंगे। इसलिए मुरली ने बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उस ब्राह्मणों की सृष्टि में जो भी बच्चे होंगे वो सब निसंकल्पी बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाले होंगे। क्या न धंधा धोरी रहेगा, न याद आएगा, न संबंधी रहेंगे, न याद आएंगे, न पदार्थ रहेंगे, न याद आएंगे। इसलिए जगन्नाथ भंडारे में क्या दिखाया जाता है, पेट भरने के लिए थोड़ी खिचड़ी खा लो, पुरुषार्थ करते रहो। बाबा सेवकराम वाली आत्मा ने उन्नीस सौ बयालीस में शरीर छोड़ दिया था। सेवकराम वाली आत्मा थी जो, उसने उन्नीस सौ बयालीस में शरीर छोड़ने के बाद और उन्नीस सौ सैंतालीस में परम बाबा में शिव ने प्रवेश किया, तो चार पांच साल शिव की आत्मा था, शिव सुप्रीम सोल का रही। क्यों मुरली में बोला नहीं है, दस साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे, पार्ट बजाते थे, तो दो थे कि एक था। तो जो स्त्री के रूप में बताया वो कोई माता भी तो थी, जो सारी यज्ञ को कंट्रोल करती थी, मम्मा बाबा के ऊपर भी कंट्रोल करती थी, मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती भी तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। ये क्यों बोला, क्योंकि यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा के भी ऊपर कंट्रोल करने वाली कोई आत्माएं थी। और 1969 में मतलब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 1976 में प्रत्यक्षता हुई बाबा की, तो यह चार पांच साल वो आत्मा से थी सुप्रीम सोल। कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल थी। जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो कोई पूछे इस बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने से पहले कहाँ था, अरे कहीं था कि नहीं था, पेट में था ना, गुप्त था, तो 76 से पहले ब्रह्मा की सोल भी गुप्त पाठ बजा रही थी है। इतिहास में उनका नाम भी रख दिया है वैसा ही, चंद्रगुप्त नाम रखा कि नहीं, विष्णुगुप्त नाम रखा है ना। तो 69 से लेकर के और 76 तक ऐसे नहीं कि शिव बाबा गायब हो गया, शिव ज्योति बिंदु गायब हो गया या ब्रह्मा बाबा गायब हो गया, नहीं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी सृष्टि पर रहा और ज्ञान सूर्य शिव भी इस सृष्टि पर रहा, लेकिन बुद्ध रूपी पेट में गुप्त होकर के रहा, अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहा, कोई दूसरा नहीं जान सकता। बच्चा पेट में आता है तो माँ को पता चलता है, दूसरों को पता चलता है, माँ को पता चलता है। तो ये भी शरीर क्या है, हैं? ये साकार शरीर जो है जिसमें बुद्धि रूपी धरणी समाई हुई है, ये धरणी जिसमें संकल्पों का खून बहता है, वो बुद्धि रूपी पेट में कृष्ण की आत्मा, चंद्रमा की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों ही मौजूद थे। और उस समय अव्यक्तवाणी में कहा भी है कि बच्चों में बाप दादा प्रवेश करके सेवा करते हैं, बच्चे तो तमो प्रधान है, बच्चे सेवा का काम नहीं कर सकते। हाँ बच्चे हिम्मत करते हैं तो बाप दादा मदद देते हैं, प्रवेश करके
दृष्टि की मदद देते हैं, वाचा की मदद देते हैं, वाइब्रेशन की मदद देते हैं, ज्ञान के नए नए पॉइंट की मदद देते हैं। और समझा करके जिस जिज्ञासु को उठना होता है, उठाना होता है, उठा लेते हैं। तो ऐसे नहीं कि 69 से लेकर के 76 तक शिव बाप और ब्रह्मा की आत्मा ज्ञान चंद्रमा ऊपर परम धाम में चले गए, नहीं, इस सृष्टि पर ही गुप्त रूप में उनका पार्ट चल रहा था। 76 से घोषणा कर दी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो ढेर अव्यक्त वाणियों में लिखा हुआ है। और शुक्ल पक्ष में पड़ता दिवाली कृष्ण पक्ष में है, दशहरा शुक्ल पक्ष में पड़ता दिवाली कृष्ण पक्ष है तो एक ही है, एक ही एक ही दिन की बात है, विजयदशमी होगी और दिवाली भी हो जाएगी। शुक्ल पक्ष के बाद कौन सा पक्ष आएगा? दीपावली। तो दीपावली जो है वो कृष्ण पक्ष में आती है या शुक्ल पक्ष में आती है? है कृष्ण पक्ष में दीपावली आती है और दशहरा शुक्ल पक्ष में आता है। इससे साबित होता है कि नौ देवियां और उनसे कनेक्टेड देवियां हैं तो क्या विधवाएं हैं? हैं, हैं? जरूर सदवाएं होंगी, देवियों की पूजा दिखा रहे हैं। और देवियों की जब पूजा दिखाते हैं तो देवताओं को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो देवियों के साथ देवताएं थे बनने वाली आत्माएं, वो सब दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली थी। ऐसे नहीं पुरुषार्थी नहीं थे, पुरुषार्थ तो करते थे, उनका पुरुषार्थ था बीज रूप स्टेज में टिकने का, इनका नहीं, देवताओं का। वो पुरुष चोला है, जो पुरुष चोला है वो बाप है, वो बीज रूप स्टेज में टिक सकता है। और कन्याएं माताएं बीज रूप स्टेज में उतना नहीं टिक सकती जितना साकार स्वरूप को याद करने में सिद्ध हस्त हो जाती है। क्या साकार में निराकार को याद करना ये कन्याओं माताओं के लिए सहज हो जाता है, और सिर्फ सिर्फ निराकारी स्टेज में टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकना ये भाइयों के लिए सहज होता है, कर्मों में भी अंतर पड़ जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा है साकार उपासी चरित्रवान होंगे, इसका मतलब निराकार उपासी चरित्रवान नहीं होंगे। रुद्रमाला क्या है? निराकार उपासी है, साकार उपासी है, निराकार उपासी, घड़ी घड़ी निराकार की तरफ बुद्धि चली जाती, साकार के ऊपर अविश्वास हो जाता है। साकार के ऊपर अविश्वास होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? होता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। तो कन्याएं माताएं हैं साकार उपासी, वो चरित्रवान होती है, और चरित्रवान की पूजा होती है, जहां पूजा होती है वो शुक्ल पक्ष की ओर जा रही है। कृष्ण वाली आत्मा उन सबकी प्रधान है, प्रतिनिधि है। कन्याओं माताओं की प्रतिनिधि आत्मा कौन है? हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, वो प्रतिनिधि आत्मा है। तो वो संपन्नता संपूर्ण चंद्रमा की ओर जाएगा या नहीं जाएगा? हैं? जाएगा। कृष्ण की आत्मा संपूर्ण चंद्रमा का पार्ट बजाती है, संपूर्णता की ओर जाती है। तो जो भी देवियां हैं वो सब संपूर्णता की ओर जाती हैं, इसीलिए वो शुक्ल पक्ष दिखाया जाता है। देवियों के द्वारा
असुरों का संहार होता है। रावण दहन तो दिखाया गया, रामलीला में राम को दिखा दिया है, वास्तव में राम नहीं करता रावण का दहन, रामायण में राम को भगवान बता दिया है। भगवान ऊपर वाली आत्मा है जो सदैव ऊंची स्टेज में रहती है, या नीचे वाली आत्मा है जो त्रेता में जन्म लेती है? तो ऊपर वाली आत्मा है। तो रामायण में जिस भगवान राम का जिक्र किया गया है वो ऊपर वाली का जिक्र किया गया है। नीचे वाला तो दुर्योधन दुशासन की स्टेज में होता है या नहीं होता है? वो भी होता है, परसेंटेज हो सकती है, लेकिन न हो ये नहीं हो सकता। इसलिए जब रावण दहन होता है तो नौ देवियों की पूजा होती है, देवताओं को कोई याद भी नहीं करते। जिस राम का गायन है वो राम ऊपर वाली आत्मा है, वो रावण का दहन करती है, लेकिन स्वयं नहीं करती। किसके द्वारा? असुर संघारणी गाई हुई है, वो कन्याएं माताएं निमित्त बनती है। तो दशहरा शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, और दीपावली, अरे दीपक कब जलाए जाएंगे? दिन में, हाँ अंधेरे में जलाए जाएंगे। तो जब घोर अंधेरी रात होती है तब पहले पहले जो धर्मराज का पार्ट है वो दीपक जलता है। कौन है धर्मराज का पार्ट? कृष्ण की आत्मा। बाप बच्चे को आगे बढ़ाएगा या खुद आगे बढ़ेगा? बच्चे को आगे बढ़ाता है। बाप बच्चों को सर माथे पर रखते हैं, सारा जीवन कमाई करते हैं, बच्चों की पैदाइश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालना करते हैं, और बड़ा होता है बच्चा तो सारे जीवन की कमाई बच्चे को सौंप देते हैं। तो इतना बढ़िया ओबीडिएंट सर्वेंट कोई दुनिया में मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो ये परंपरा शुरू कहां से होती है? संगम युग से शुरू होती है। और चिट्ठियां, जब तक मुंह से बोल रहे हैं तब तक बोलने दो चिट्ठियां, बाद में कागजी घोड़े बाद में दौड़ाएंगे। हैं, धीरे धीरे पी रहा हूं। चाणक्य किसका पार्ट है? चाणक्य उसी का पार्ट है जो राजा बनाता है। चंद्रगुप्त राजा है कि राजा बनाने वाला है? हैं? वो तो राजा है, बनाने वाला कौन था? खुद तो नहीं बन गया है? खुद नहीं बनता है, उसको बनाने वाला चाणक्य है, गुरु है। ये कथा कहानियां हैं कहां की यादगार? इनका फाउंडेशन कहां पड़ता है? है संगमी को भी पड़ता है। नाम भी दिया हुआ है, चाणक्य का नाम दिया है विष्णुगुप्त। क्या, कैसा विष्णु? गुप्त विष्णु। लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जावेंगे तो भव्य मूर्तियां बड़े मंदिर में लक्ष्मीनारायण की रखी हुई, वास्तव में लक्ष्मीनारायण को ही बाबा ने विष्णु बताया, लेकिन उन लक्ष्मीनारायण को भी बनाने के लिए निमित्त आत्माएं कौन हुई?
है? मोस्टली भारतीय परंपरा में कृष्ण को विष्णु का अवतार समझते हैं या राम को समझते हैं या दोनों को समझते हैं? हैं? दोनों को समझते हैं, लेकिन फिर भी राम को चक्र नहीं दिया है। किसको दिया है? कृष्ण को चक्र दिया है। कारण? पढ़ाई कौन पढ़ता है? हैं? कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ती है, राम वाली आत्मा तो सिर्फ निमित्त मात्र है। सारी पढ़ाई किसके लिए है? कृष्ण बच्चे के लिए है, बच्चा बुद्धि के लिए है सारी पढ़ाई। तो वो है विष्णुगुप्त, राम सीता राधा कृष्ण चारों ही आत्माएं मिलकर के विष्णु का पार्ट बजाती हैं, लेकिन उनमें दो आत्माएं हैं गुप्त विष्णु और दो आत्माएं हैं प्रत्यक्ष रूप में विष्णु। संगम युग में भी देखा जाए तो संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा ऐसा युगल जोड़ा है जो प्रैक्टिकल में देखा गया कि स्वभाव संस्कार आपस में मिलते हुए देखे गए? कोई है या नहीं है? कौन है? मम्मा बाबा? जैसे जैसे बाबा चलाते थे वैसे वैसे मम्मा चलती थी, तो स्वभाव संस्कार मिले हुए माने विष्णु का रूप थे ना, लेकिन उनसे भी पहले कोई और आत्मा यज्ञ में थी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो अंतिम जीवन में यशोदा मैया के साथ प्रवृत्ति मार्ग का जीवन बिता रहे थे 84वें जन्म में। यशोदा माता के साथ उनके संस्कार मिलते थे है? नहीं मिलते थे। उसका प्रूफ कि यशोदा माता को यज्ञ का इंचार्ज नहीं बनाया कन्या माताओं का, किसको बनाया? मम्मा को बनाया। लेकिन यज्ञ के आदि में कोई आत्माएं थी फाउंडर या नहीं थी जो विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली हो? क्योंकि आदि में होंगी तो अंत में भी होंगी। अरे यज्ञ के आदि में ही नहीं होंगी तो अंत में कहां से आ देंगी? तो कौन थी है? वही आत्मा है जो मम्मा बाबा को ज्ञान में जन्म देने के लिए निमित्त बनी, जिन्होंने मम्मा बाबा के अंदर ये बात बुद्धि में बैठा दी कि तुम शक्ति रूपी वृक्ष के पहले पहले पत्ते हो, तुमको नई स्वर्गीय सृष्टि में राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। ये बात किसने बुद्धि में बैठाई? क्या साक्षात्कार के उनकी बुद्धि में बैठ गया? नहीं, फिर किसी ने बैठाया होगा। तो कौन थी? वो ही है कि आदि वाली आत्मा। हाई कोर्ट ऐसे है जैसे महाराजा, वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे है जैसे महाराजा, जिसे कहते हैं सम्राट, जो भी बड़े बड़े राज्य होते थे उनमें आखिरी फैसला किसका होता था?
है सम्राट का, तो वो जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। फिर छोटे छोटे राज्य होते थे, राजाएं जिन्हें कहते हैं, उन राज्यों का जो राजा था वो जैसे हो गया हाई कोर्ट, और उन्हीं के नीचे भी कंट्रोलर होते थे, वो थे वास्तव में लोअर कोर्ट। और बाबा जो आत्माएं पूरी वर्धावस्था में खरीद होती है, क्या वो भी सूक्ष्म शरीर दान करती है? क्या वो भी सूक्ष्म शरीर दान करती है पूरी वर्धावस्था में? सूक्ष्म शरीर उन्हीं आत्माओं को धारण करना पड़े जो अपनी आयु पूरी होने से पहले ही अचानक शरीर छोड़ दें, चाहे ब्रह्मा बाबा ही क्यों न हो, वृद्ध थे, बुढ़ापे में शरीर छोड़ा, लेकिन अचानक शरीर छोड़ा या आयु पूरी होने पर शरीर छोड़ा? अचानक शरीर छोड़ा, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। ऐसे नहीं, जितने भी बूढ़े हैं वो तो मरने ही वाले हैं तो उनको सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं। और भगवद गीता में लिखा हुआ है कि मैं दुन दुन से ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने सृष्टि राज्य में भगवान सूर्य को दिया, सूर्य ने आज मनु को दिया, मनु ने फिर इसको दिया, इसके बाद फिर ये ज्ञान राज में शुरू फैल गया, लोक हो गया, कौन है तो कोई ज्ञान सूरी नहीं है क्या? ज्ञान सूरी है तब तो सूर्यवंश से चला। अरे रघु नहीं होगा तो रघुवंश कैसे होगा? कोई रघु नाम का पहला पहला राजा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। ऐसे ही जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, किंग एडवर्ड द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, लंदन में राजाओं के नाम पड़े ना, तो पहले नंबर का एडवर्ड कोई हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हैं? हुआ होगा। ऐसे ही चंद्रवंश जो नाम पड़ा है, सूर्यवंश नाम पड़ा है, तो उनका विधाता, उनका जनक कोई चंद्र और सूर्य चैतन्य में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है? हुआ, कौन हुआ? अभी प्रैक्टिकल में कौन है? जो भी शास्त्रों में बातें हैं उनको कहाँ टैली करना चाहिए? संगम युग में टैली करो। तो कौन है सूर्य? जो यज्ञ के आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, कौन है? राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी रहेगी। और ग्रह उपग्रह टकरा टकरा के भले नेस्त नाबूद हो जाएं, लेकिन सूर्य, सूर्य और पृथ्वी नेस्त नाबूद नहीं हो सकते। और तो सूर्य से किसी ने तो ज्ञान लिया होगा, है? यज्ञ के आदि में सूर्य हुआ, कोई ने ज्ञान लिया या नहीं लिया? यज्ञ के आदि में भी दीदी दादियों को गुणों का श्रृंगार करने वाली कोई आत्माएं थी या नहीं थी? थी। तो जो दिव्य गुणों का श्रृंगार करने वाली यज्ञ के आदि में आत्माएं थी वही अष्टदेव मनन चिंतन मंथन करने वाले हुए, उन साक्षात्कारों के समझाने का मनन चिंतन मंथन पहले उन्होंने किया,
वो सूर्य पुत्र हुए। मनु एक हुआ है कि अनेक हुए हैं? है? एक नहीं हुआ है। मनु नाम के अनेक हुए हैं, वो सब मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु हुए हैं। वो मनु सारी सृष्टि के पूर्वज हैं, उन मनु से ही ये मनुष्य सृष्टि बनी। सूर्य से सूर्यवंशियों की सृष्टि बनी, चंद्र से चंद्रवंशियों की सृष्टि बनी। कोई इस्लामी धर्म की बीज रूप आत्मा है अष्टदेवों में, उससे इस्लाम धर्म की सृष्टि बनी। कोई बौद्ध धर्म की बीज रूप आत्मा है अष्टदेवों में, उनसे बौद्ध धर्म की सृष्टि बनी। तो अनेक मनु नाम के हुए ना, लेकिन फर्स्ट मनु भी तो कोई हुआ होगा, उससे मनुष्य बने कहे गए। हो मनुष्यों में पहले पहले हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों की नौकरियां बन गई, वो ही नौ धर्म बन गए।